प्रणय, एक और सवाल जो इस पूरी घटना के बाद उठने लगा है, उस पर बहस फिर तेज हो गई है, अमेरिका में गन रेगुलेशन पर। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से लगातार अमेरिका के अंदर एक बहस का मुद्दा बना हुआ है और सेकंड अमेंडमेंट के कारण ये एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है जिसके ऊपर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में मतभेद हैं। और अगर आप देखें कि एक दिन पहले का ही राष्ट्रपति बाइडन का ट्वीट अगर आप देखें, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस से अपील करता हूं कि वो मैंडेटरी बैकग्राउंड चेक को अप्रूव करें, गन कंट्रोल के अंदर उसके जो पाबंदियां हैं उन्हें लागू करने में मदद करें, जो अमेंडमेंट्स हैं उन्हें पास किया जाए, डेमोक्रेट्स बहुत लंबे समय से इस चीज की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये एक मुद्दा है और इसका खामियाजा लगातार अमेरिका में लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि कभी थिएटर के अंदर गोलीबारी हो जाती है, कभी स्कूल में होती है, कभी कॉलेजेस के अंदर होती है, ये सबवे स्टेशंस के अंदर भी गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी हैं। तो ऐसे में ये लगातार चिंता का विषय बना हुआ है और सबवे स्टेशन में सुबह के समय जब लोग ऑफिस के लिए जा रहे हों, लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हों, ऐसे समय में इस तरीके की घटना का होना निश्चित रूप से इस चीज की चिंताओं को बढ़ाता है, खासतौर पर लॉ अबाइडिंग सिटीजंस जो हैं, ऐसे लोग जो कि शांति से अमन के साथ रहना चाहते हैं, सबवे स्टेशन यातायात का बड़ा साधन होता है। वही मास्कमैन जो हमला करके यहां से भाग निकला, गोलीबारी की, धुएं का गुबार वहां पर नजर आया, पैनिक की स्थिति बन गई, अभी तक वो गिरफ्त में नहीं है। आइए आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड मैप में जो अमेरिका है आप उस तरफ देख सकते हैं, अमेरिका का यही ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन न्यूयॉर्क में मौजूद है जहां पर कल हमला हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मास्कमैन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश कि ये वही एरिया है जहां पर हमला हुआ मेट्रो स्टेशन पर, सनसेट पार्क ब्रुकलिन। ये देखिए, ये इतना बड़ा हमला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि यहां पर इस दौरान जब हमला हुआ तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। टाइम स्क्वायर यहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, भारतीय भी यहां पर रहते हैं और दूर दूर से पर्यटक भी टाइम स्क्वायर पहुंचते हैं। और 17 किलोमीटर की दूरी पर है यूएन हेडक्वार्टर और साथ ही 34 किलोमीटर की दूरी पर है जेएफके एयरपोर्ट। और यही वजह है कि इतने जो महत्वपूर्ण स्थान है इस एरिया के पास है, सेंट्रल पार्क भी 16 किलोमीटर की दूरी पर है और जहां पर ये देखिए हमला हुआ है उसके करीब ही ये पूरे महत्वपूर्ण स्थान है, इसी वजह से इस हमले को बड़ा माना जा रहा है। हालांकि ये भी एक बात है कि अभी तक मास्कमैन गिरफ्तार नहीं हो सका है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस हमले की आतंकी घटना के एंगल से जांच नहीं होगी, ऐसा पुलिस ने कहा है, लेकिन यह जरूर कहा गया है कि जल्द से जल्द मास्कमैन को गिरफ्तार किया जाएगा जिसने हमला किया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में जो गन रेगुलेशन को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है अमेरिका के अंदर, उस पर भी बातें तेज होंगी, राजनीति तेज हो सकती है। ABP News, आपको रखे आगे।